बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज करेंगे समीक्षा बैठक। सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विपक्षी दलों के विधायकों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और 12 विधायकों के क्षेत्र में हो रहे हैं विकास कार्यों की बैठक। बड़ी और अहम खबर देहरादून से आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक करेंगे सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विपक्षी दलों के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी और विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। 12 विधायकों के क्षेत्र में हो रहे हैं विकास कार्यों की बैठक। देहरादून से बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विपक्षी दलों के विधायकों के साथ ये समीक्षा बैठक की जाएगी। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण होगी और 12 विधायकों के क्षेत्र में हो रहे हैं विकास कार्यों की बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं, इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 11 बजे के लगभग जो है सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे और जो विकास कार्य अभी तक हुए हैं उनकी जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे। उसमें विपक्ष के जो विधायक हैं उनको भी शामिल किया गया है और जो सत्ता पक्ष के विधायक या मंत्री हैं उनके साथ भी बैठक होगी। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो एक साल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उसका लेखा जोखा जो है तमाम जो विधायक या मंत्री जो है वो देंगे और कैसे कैसे जो है वो विकास कार्य हैं और क्या क्या समस्याएं जो है प्रदेश की है उनकी विधानसभा क्षेत्र की है उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो बातचीत की गई थी। तो आज उसकी समीक्षा बैठक होनी है क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड है वो लेकर जो है विधायक और मंत्री जो है वो आएंगे कि क्या क्या समस्या और क्या क्या काम अभी तक जो है विधानसभा क्षेत्रों में उनके द्वारा जो है वो की गई है। क्योंकि जिस प्रकार से रात्रि प्रवास के दौरान खुद मंत्री के द्वारा जो है जिस प्रकार से जो प्रभारी बनाए गए थे विधानसभा क्षेत्रों में उनके द्वारा भी जो है समीक्षा बैठक जो है अलग अलग जगहों पर की गई थी और लगातार सरकार की ओर से कोशिश रही है कि जो लोगों की समस्या है उनकी जानकारी जो है विधायकों को होनी चाहिए और विधायक जो समस्या जनता की रहती है उन पर त्वरित जो है वो काम सबसे पहले जो है वो होना चाहिए, जिसको लेकर आज समीक्षा बैठक जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो की जा रही है। जी उपेंद्र, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये बैठक कहाँ पर की जाएगी और इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? देखिए, देहरादून के जो है देहरादून सचिवालय में ये बैठक होनी है और इसमें तमाम विधायक मंत्री और साथ ही सचिव और तमाम अधिकारी जो है ये मौजूद रहेंगे। और जिस प्रकार से अब चारधाम यात्रा भी आने वाली है और उसको लेकर भी बातचीत जो है वो हो सकती है क्योंकि ये माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान जो चारधाम यात्रा क्षेत्र के जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनसे जो है बातचीत जो है वो की जाएगी कि क्या क्या समस्याएं वहाँ पर होती है और किस तरीके की चीज़ें जो है वो डेवलप करनी है इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो बातचीत जो है वो की जा सकती है। तो यानी कि देहरादून सचिवालय में ये बैठक होने तमाम अधिकारी और विधायक और मंत्री जो है इस बैठक पे जो है कि मौजूद रहेंगे। ठीक है उपेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।